अब देखो समझना, ये जो हमने प्रिंसिपल लिखा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल लिखा ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहां पर जो हिम हमने लिखा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये जो प्रिंसिपल हमने लिखा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये जो टीचर हमने लिखा ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले, आप सबको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिम और प्रिंसिपल एक ही पर्सन है, दे मेड हिम प्रिंसिपल, उन्होंने उसे प्रिंसिपल बना दिया, तो इसका मतलब हिम और प्रिंसिपल एक ही है, अलग अलग नहीं है। दे मेड हिम टीचर, उन्होंने उसे टीचर बना दिया, तो इसका मतलब हिम और टीचर एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वो जो टीचर है वो हिम का कॉम्प्लीमेंट है, हिम ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल जो है हिम का कॉम्प्लीमेंट है, हिम ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें समझना है ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। चलो इतनी चीज़ें लिखी तो बाकी भी लिख ही देते हैं, तो समझ में आएगी होगा। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। रिक्वेस्टेड वर्ब है एक्शन वर्ब, बिकेम वर्ब है लिंकिंग वर्ब, मेड वर्ब है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। एक बार आंसर अपने आप बताओ सभी लोग, ये ब्लैंक्स अगर तुम्हें अपने आप फिल करने पड़े तो क्या फिल करोगे, फिर मैं समझाता हूँ। अगर ये ब्लैंक्स आपको अपने आप फिल करने पड़े तो इनमें क्या यूज करोगे? आ गई आवाज बच्चों, आ गई पता चल गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, तो इसमें प्रिंसिपल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट वर्ब का, ही कोई और पर्सन है वो सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दूसरे में हमने लिखा ही बिकेम प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कोई और नहीं है, वो ही है, ही जो है ना वही प्रिंसिपल बन गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और ही सेम पर्सन है, ठीक है, बिकेम लिंकिंग वर्ब है ना, तो हम प्रिंसिपल को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो हमने प्रिंसिपल वर्ड लिखा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पहले में जो हमने लिखा वो ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि प्रिंसिपल एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन होती है, तो जिस पर्सन को भी हम प्रिंसिपल कह रहे हैं वो एक डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन ही होगा, तो हमने उसके बाद में द लिख दिया, ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन जब हम किसी नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ वो इनडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है, उसके साथ हमें एन आर्टिकल यूज करना चाहिए, दानी लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप लिखते हो वो सब्जेक्ट के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है, इंट्रोड्यूस की जा रही है इन्फॉर्मेशन होती है जो पहले से स्पीकर को नहीं पता होती है। तो चूंकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है, तो हम उसके साथ में एन आर्टिकल लिखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज अ फार्मर, ही इज एन ऑफिसर, इस तरीके से, है ना। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर कोई यूनिक पोस्ट हो, जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल एक यूनिक पोस्ट है, एक स्कूल कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है। टीचर जो है वो वन ऑफ मैनी पोस्ट है, वो यूनिक नहीं है, बहुत से होते हैं टीचर, स्कूल में कई टीचर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के किसी ऐसी पोस्ट है डेजिग्नेशन को लिखें जो यूनिक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंस्टीट्यूशन में, कोई आर्टिकल ना लिखें, कोई आर्टिकल नहीं, सीधे लिखो द मेडियम प्रिंसिपल, खत्म, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी पोस्ट लिखें जो वन ऑफ मैनी है, कई हैं और कईयों में से एक है वो, तो फिर आप एन आर्टिकल लिखोगे। तो यहाँ से हमें समझना है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हम लिंकिंग वर्ग के बाद में लिखते हैं, उनके साथ तो एन आर्टिकल ही लिखा करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर किसी ऐसी पोस्ट को रेफर किया जाए जो यूनिक है, ओनली वन है किसी सेटअप में, तो उसके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, ठीक है। दे डिक्लेयर्ड हिम विनर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं, दे डिक्लेयर्ड हिम विनर, द विनर, अ विनर, कुछ नहीं, विनर एक ही होता है, वो यूनिक होता है, ओनली वन होता है, ठीक है। तो दे डिक्लेयर्ड हिम विनर, खत्म,
ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखो, हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम बनाएं किसी ऐसी पोस्ट को जो ओनली वन है, यूनिक है, तो कोई आर्टिकल मत लिखा करो। दे इलेक्टेड हिम चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एक ही होता है। दे नॉमिनेटेड हिम प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, अ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट एक ही होता है, तो कोई आर्टिकल नहीं लिखना। अब अगर मान लो हम कोई ऐसी पोस्ट लिख दें जो वन ऑफ मैनी है, कईयों में से कोई एक है, ठीक है, तो हम एन आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। दे मेड हिम अ टीचर, उन्होंने उसको एक टीचर बना दिया, मतलब बहुत से टीचर रहे होंगे, उसको भी एक टीचर बना दिया, ठीक है। दे अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, उन्होंने उसको एक क्लर्क अपॉइंट कर दिया, बहुत से क्लर्क होंगे किसी कंपनी में, वो भी एक क्लर्क बन गया। तो जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको लेकर ध्यान रखना है कि द आर्टिकल तो आएगा नहीं कॉम्प्लीमेंट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ या तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर वो प्लुरल है अनकाउंटेबल है तो, सिंगुलर काउंटेबल है तो एन आर्टिकल आएंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ओनली वन या यूनिक पोजिशन को रेफर कर रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ऐसी पोजिशन को रेफर कर रहा है जो वन ऑफ मैनी है, तो फिर एन आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना। अब बताओ, ये जो हमने पढ़ा है, जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई? समझ में आ गई तो हमारी तरफ से बस इतना ही। मंडे को हमारी आर्टिकल्स की प्रैक्टिस क्लास होगी, तो कुछ देखना हो, जानना हो अपना, तो वो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को, आज के लिए बस इतना ही।